देश की टेलीकॉम कंपनियों ने एक बार फिर टैरिफ के दाम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं, जिससे आम आदमी की जेब और ज्यादा ढीली होने वाली है। वोडाफोन आइडिया के बाद अब एयरटेल के ग्राहकों को भी झटका लगने वाला है। कंपनी के एक टॉप लेवल अधिकारी ने बताया है कि इस साल टैरिफ को दोबारा महंगा किया जा सकता है, जिसकी वजह कंपनी के एवरेज रेवेन्यू पर यूजर में बढ़ोतरी करना है। इससे पहले पिछले साल नवंबर में भी कंपनी ने अपनी टैरिफ दरों को बढ़ाया था। एयरटेल ने प्रीपेड प्लान्स की टैरिफ दरों में 20 से 25 फीसदी तक का इजाफा किया था। कंपनी का 79 रुपए का बेस प्लान 99 रुपए का हो गया है। इसके अलावा 149 रुपए का प्लान अब 179 रुपए का हो गया है। कंपनी का 219 रुपए वाला प्लान 265 रुपए में मिल रहा है। 249 रुपए वाला प्रीपेड प्लान अब 299 रुपए में मिल रहा है। तो वहीं 399 रुपए वाली प्रीपेड प्लान की कीमत बढ़ाकर 479 रुपए कर दी गई है। अब कंपनी अगले 4 से 5 महीनों में फिर से टैरिफ दरों में बढ़ोतरी कर सकती है। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर गोपाल मित्तल ने कहा है कि कंपनी अपना एवरेज रेवेन्यू प्रति यूजर 300 रुपए तक करने का लक्ष्य लेकर चल रही है, जिसे इस वित्त वर्ष पूरा किया जा सकता है। कंपनी का मानना है कि हेल्दी बिजनेस मॉडल के लिए ये बेहद जरूरी है। सिम कंसोलिडेशन की लहर के जाने के बाद ही कंपनी टैरिफ प्लान की कीमतों को बढ़ाएगी। पिछले साल जब कंपनी ने नवंबर में अपने प्रीपेड प्लान्स को महंगा किया था, उसके बाद 2 या इससे ज्यादा नंबर रखने वाले यूजर्स की संख्या में कमी देखने को मिली थी। हालांकि दिसंबर तिमाही में कंपनी के ग्राहकों की संख्या में इजाफा देखने को मिला है। दिसंबर तिमाही में एयरटेल के 4G ग्राहकों की संख्या सालाना आधार पर 18.1% बढ़कर 19.50 करोड़ हो गई है। एक साल पहले समान तिमाही में ये संख्या 16.56 करोड़ थी। नेटवर्क पर प्रति ग्राहक डेटा का इस्तेमाल 11.7% बढ़कर 16.37 GB से 18.28 GB हो गया है। इस वित्त वर्ष कंपनी टूल्स को अपडेट करने, नेटवर्क और क्लाउड कारोबार पर 2,250 करोड़ रुपए खर्च करेगी। एयरटेल का कहना है जिस तरह की क्वालिटी सेवाओं की लोगों को दरकार है, उसके लिए रेट बढ़ाने के सिवाय कोई दूसरा विकल्प नहीं है। साथ ही जिस तरह का ARPU दुनिया भर में है, उसके सामने भारतीय बाजार अभी भी बेहद सस्ता है।